यूके के नए वीजा रूल्स। इंडियन विजिटर्स को 2.75 लाख रुपीस भरने होंगे। ऑस्ट्रेलिया में केविन रड बने प्राइम मिनिस्टर। पेरिस के आईफिल टावर पर हुई स्ट्राइक। इजिप्ट में प्रेसिडेंट के खिलाफ मैसिव प्रोटेस्ट। और कॉन्फेडरेशंस कप में ब्राजील ने स्पेन को हराया। ये थी इस हफ्ते की हेडलाइंस। एक ऐसा हफ्ता जिसमें ब्रिटिश ग्रैंड प्री में नीको रॉसबर्ग जीत गए और ऑस्ट्रेलिया में केविन रड फिर एक बार बन गए प्राइम मिनिस्टर। वेलकम टू द वीकली रैप। मैं हूं अवनी और मैं हिमांशु। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द न्यू रूल्स फॉर गेटिंग एंट्री टू द यूनाइटेड किंगडम। कुछ दिन पहले खबर आई कि यूनाइटेड किंगडम अपने वीजा रूल्स बदल रहा है। नवंबर से वहां जाने वाले इंडियन विजिटर्स को 2.75 लाख रुपीस डिपॉजिट करने पड़ेंगे एज अ गारंटी टू द यूके गवर्नमेंट। इंडियंस के अलावा ये बॉन्ड भरने का रूल लागू होगा पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नाइजीरिया और घाना पर। इन सभी कंट्रीज ने इस रूल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। लेट्स फाइंड आउट मोर। ब्रिटेन ने ये नई स्कीम अनाउंस की जिसके तहत इन 6 कंट्रीज में से कुछ हाई रिस्क सिटीजन को 3000 पाउंड यानी करीब 2.75 लाख रुपीस भरने पड़ेंगे। ब्रिटेन का मानना है कि कुछ लोग वीजा खत्म होने पर भी ओवरस्टे करते हैं। इन लोगों के बॉन्ड के पैसे जब्त किए जाएंगे, लेकिन इन 6 कंट्रीज के ट्रैवलर्स इस स्कीम से नाखुश हैं। उनके मुताबिक ये स्कीम सिर्फ उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करती है। इंडियन विजिटर्स का कहना है कि एक तरफ ब्रिटेन चाहती है कि इंडिया से इन्वेस्टमेंट्स मिले, इंडियन स्टूडेंट्स उनके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने आए और साइंटिस्ट और इंजीनियर्स वहाँ माइग्रेट करें, लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटेन इस तरह के रूल्स लगाकर संबंध बिगाड़ भी रही है। फिलहाल इंडियन गवर्नमेंट ने भी इन वीजा रूल्स के बारे में ब्रिटेन से कम्प्लेन की है। Let's go down under now. ऑस्ट्रेलिया में केविन रड फिर एक बार प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर जूलिया गिलार्ड की जगह ले ली है। एक्चुअली हुआ यूं कि रूलिंग लेबर पार्टी ने कुछ पब्लिक ओपिनियन पोल्स में अपनी स्टैंडिंग नीचे गिरती हुई देखी, इसीलिए उन्होंने अपनी प्राइम मिनिस्टर जूलिया गिलार्ड को हटाकर उनकी जगह ज्यादा पॉपुलर केविन रड का चुनाव किया। देखते हैं वहाँ की लेटेस्ट डेवलपमेंट। I invite you to take and subscribe the oath of office as Prime Minister. ऑस्ट्रेलिया में लेबर पार्टी ने केविन रड को दोबारा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया। ही सिक्योर्ड 57 वोट्स एज कम्पेयर टू फॉर्मर पीएम जूलिया गिलार्ड हु स्कोर्ड 45। जूलिया गिलार्ड ने इस पोस्ट को 2010 से संभाला था और वो ऑस्ट्रेलिया की पहली वुमन प्राइम मिनिस्टर थी। अब उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है और कहा है दैट शी वुड लीव पॉलिटिक्स एज शी एंड केविन रड हैड अग्रीड द लूजर वुड लीव पॉलिटिक्स बिफोर द वोट। इसी साल 14 सितंबर को होने वाले इलेक्शंस के पहले द लेबर पार्टी फील्स दैट दिस लीडरशिप चेंज विल इंप्रूव देयर चांसेस ऑफ विनिंग। फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया लेट्स मूव ऑन टू फ्रांस, जहां हिस्टोरिक आईफिल टावर के वर्कर्स ने स्ट्राइक की। 1889 में बनाया गया ये टावर सिर्फ 20 साल पेरिस में रखा जाने वाला था, लेकिन 324 मीटर की ऊंचाई का ये स्ट्रक्चर आज तक दुनिया भर में मशहूर है। जानते हैं पिछले हफ्ते आईफिल टावर क्यों बंद था। पिछले हफ्ते पेरिस में वर्कर्स ऑफ आईफिल टावर वेंट ऑन अ स्ट्राइक, जिसकी वजह से पेरिस घूमने आए हजारों टूरिस्ट को आईफिल टावर के ऊपर जाने के बजाय नीचे से ही वापस लौटना पड़ा। It's disappointing coming here and spending this much money to come here and you can't come to the one landmark that people probably come here to see most. The strike was against the company which manages the tower. Workers protest कर रहे थे for maintenance and repair work that needs to be done. दो दिन के negotiations के बाद स्ट्राइक कॉल ऑफ हुआ एंड पीपल वर अगेन सीन enjoying द वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन। हर साल करीब 70 लाख लोग आईफिल टावर को विजिट करते हैं और पीक सीजन में यहाँ रोज 30,000 लोग आते हैं। सेंट्रल यूरोपियन कंट्री क्रोएशिया ने 2003 में यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था और 10 साल बाद 1 जुलाई 2013 को उन्हें मेंबरशिप मिल गई। क्रोएशिया के शामिल होने से यूरोपियन यूनियन में अब 28 मेंबर स्टेट्स हो गए हैं। आइए इसके बारे में और जानते हैं। क्रोएशिया का निर्माण 1991 में हुआ आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ द कम्युनिस्ट यूगोस्लाविया। उसके बाद इस छोटे से देश ने कई मुश्किलों का सामना किया, इंक्लूडिंग वॉर्स एंड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स। कई साल कोशिश करने के बाद अब उन्हें यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना दिया गया है। क्रोएशिया में ईयू मेंबरशिप मिलने पर सेलिब्रेशंस हुए। कैपिटल सिटी ज़ाग्रेब के मेन स्क्वायर में हजारों लोगों ने इनमें हिस्सा लिया। फायरवर्क्स के साथ साथ कई तरह के म्यूजिक एंड डांस परफॉर्मेंसेस उन्होंने एंजॉय किए। इजिप्ट में 2 साल पहले डिक्टेटर होस्नी मुबारक को पॉपुलर अपराइजिंग के बाद हटाया गया था। उन्होंने 30 साल इजिप्ट को रूल किया था, लेकिन उनकी जगह लेने वाले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट मोहम्मद मुर्सी के खिलाफ भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इन प्रोटेस्ट का क्या असर हुआ है, आइए पता करते हैं।
पिछले कुछ दिनों से कैपिटल सिटी कायरो में हजारों लोग तहरीर स्क्वायर और प्रेसिडेंशियल पैलेस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिमांडिंग द रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट मोहम्मद मोरसी। इट इज कंसिडर्ड द बिगेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन देयर सिंस द 2011 रेवोल्यूशन। अब सिचुएशन ये है कि प्रेसिडेंट के सपोर्टर्स और उनके अपोनेंट्स में रोज क्लैशेस हो रहे हैं। जून 2012 में मोहम्मद मोरसी वाज स्वॉन इनटू ऑफिस एज द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, लेकिन उनके आने के एक साल बाद भी हालात नहीं सुधरे। उनके अपोनेंट्स के मुताबिक ही हैज फेल्ड टू टैकल द इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री। इजिप्ट की पावरफुल आर्मी ने सिविलियन गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया है टू सॉर्ट आउट दीज प्रॉब्लम्स एंड डिफ्यूज द सिचुएशन। फाइनली 3 जुलाई को आर्मी ने अनाउंस किया कि प्रेसिडेंट मोहम्मद मोरसी का रूल खत्म हो गया है, एंडिंग इजिप्ट्स वर्स्ट क्राइसिस सिंस 2011 रिवोल्ट। बड़ी खबरों के बाद अब मुड़ते हैं टुवर्ड्स द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। स्ट्रेट फ्रॉम रियो डी जनेरो एंड सिल्वरस्टिन, जानते हैं फुटबॉल और F1 रेसिंग के अपडेट्स इन द स्पोर्ट्स दिस वीक। मर्सिडीज के नीको रॉसबर्ग ने ब्रिटिश ग्रैंड प्री जीत ली है। रॉसबर्ग की ये फर्स्ट ब्रिटिश ग्रैंड प्री विक्ट्री है एंड द सेकंड ऑफ द सीजन। सिल्वरस्टिन सर्किट में हुई इस रेस में कई बार टायर फेलियर्स हुए। द ड्रामा स्टार्टेड इन अर्नेस्ट ऑन लैप 8 जब मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन लेफ्ट रेयर टायर रप्चर। इसके 2 लैप्स के बाद फरारी के फिलिप मासा सफर द सेम फेट एट द सेम प्लेस, जबकि 3 बार वर्ल्ड चैंपियन रहे रेडबुल के सेबेस्टियन वेटल गियरबॉक्स फेलियर के चलते रेस पूरी नहीं कर पाए। दूसरी तरफ रेडबुल के मार्क वेबर सेकंड पोजीशन पाने में कामयाब रहे और फिरारी के अलोंसो फर्नांडो थर्ड प्लेस पर रहे। ब्रिटिश ग्रैंड प्री के बाद रेडबुल के सेबेस्टियन वेटल लीड कर रहे हैं विद 132 पॉइंट्स। सेकेंड प्लेस पर है अलोंसो विद 111 पॉइंट्स और लोटस के किमी राइकनेन थर्ड पोजीशन पर है विद 98 पॉइंट्स। ब्रिटिश ग्रां प्री में सेकंड प्लेस जीतने वाले रेडबुल के मार्क वेबर ने अनाउंस किया है दैट ही विल क्विट फॉर्मूला 1 एट द एंड ऑफ सीजन 2013। वेबर ने अपने करियर की शुरुआत 2002 में की थी। द 36 ईयर ओल्ड स्पेंट 12 इयर्स इन फॉर्मूला 1 विनिंग 9 रेसेस एंड ट्वाइस फिनिशिंग थर्ड इन द चैंपियनशिप। वेल द टाइमिंग इज परफेक्ट फॉर मी। वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट माय न्यू चैप्टर एंड द न्यू चैलेंज अहेड। वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट well-respected brands in automotive and motor racing in Porsche. Formula One se quit karne ke baad, Webber will be with German company Porsche's new sports car program. Porsche ke liye wo endurance race Le Mans 24 hours mein bhi participate karne ki koshish karenge. 2014 FIFA World Cup ke host Brazil ne FIFA Confederations Cup jeet liya hai. रियो डी जनेरो की मारकाना स्टेडियम में ब्राजील ने वर्ल्ड चैंपियन स्पेन को 3-0 से डिफीट किया। कन्फेडरेशन कप एक इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल टूर्नामेंट है एज अ लीड अप टू द 2014 फीफा वर्ल्ड कप। 8 टीम्स ने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया और ये शुरू हुआ 15 जून से एंड एंडेड ऑन 30th जून। फाइनल्स में स्पेन को हराने के बाद ये ब्राजील की 3rd कंसेक्यूटिव विक्ट्री है। एक तरफ कॉन्फेडरेशंस कप का फाइनल स्टेडियम के अंदर चल रहा था तो दूसरी तरफ स्टेडियम के बाहर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच क्लैशेस हो रहे थे। फुटबॉल फैंस वर अघास्ट टू सी द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग अ वर्ल्ड कप। अघास्ट, इसका मतलब क्या है? अघास्ट इज अ वर्ड ऑफ द वीक। इसका मतलब है शॉक्ड। ओके, फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए द वीकली रैप। कमिंग अप, रशियन कॉस्मोनॉट्स ने की स्पेस वॉक। इंडिया ने लॉन्च किया पहला नेविगेशन सैटेलाइट और नेदरलैंड्स में रोबोट्स की फुटबॉल चैंपियनशिप। वेलकम बैक टू द वीकली रैप। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन 1998 में शुरू हुआ और यहाँ साल 2000 से एस्ट्रोनॉट्स रहने लगे। कई बार इन्हें स्पेस सूट्स पहनकर स्टेशन के बाहर जाना पड़ता है टू कैरी आउट रिपेयर्स एंड मॉडिफिकेशंस। हाल ही में रशिया के कॉस्मोनॉट्स ने भी ऐसी स्पेस वॉक की। टू नो मोर अबाउट दिस देखिए अगली स्टोरी। June 24 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर हो रही थी हलचल। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो रशियन कॉस्मोनॉट्स की है जिन्होंने 6 घंटे तक स्पेस वॉक किया ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द स्टेशन। इस स्पेस वॉक के दौरान उन्होंने स्टेशन के जारिया मॉड्यूल के कंट्रोल पैनल को रिप्लेस किया। इन दोनों कॉस्मोनॉट्स ने कई साइंस एक्सपेरिमेंट्स भी किए।
both spacewalkers are equipped with NASA helmet cameras to provide close-up views of their work. ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक रिसर्च लेबोरेटरी है दैट ऑर्बिट्स मोर देन 300 किलोमीटर्स अबव अर्थ। इस पर 100 बिलियन यूएस डॉलर्स का खर्च हुआ है एंड इट इज ओन्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया इन पार्टनरशिप विद यूरोप, जापान एंड कनाडा। देयर्स मोर न्यूज फ्रॉम स्पेस। नासा ने अब तक कई स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए हैं अलग-अलग मिशंस पर, फ्रॉम नियर अर्थ ऑर्बिट्स टू इंटरप्लैनेटरी प्रोब्स। नासा ने हमारे एटमॉस्फेयर से लेकर बाकी प्लैनेट्स तक कई चीजों को एक्सप्लोर किया है। नासा की लेटेस्ट ऑब्जर्वेटरी आयरिस हाल ही में लॉन्च हुई है, आइए इसके बारे में और जानते हैं। 27 जून को नासा ने सक्सेसफुली लॉन्च की अपनी लेटेस्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी द आयरिस स्पेसक्राफ्ट। आयरिस स्पेसक्राफ्ट 7 फुट लंबा है और इसका वजन है करीब 180 किलो। इस स्पेसक्राफ्ट का टेलीस्कोप सन के इंटरफेस रीजन को पॉइंट करेगा। इंटरफेस रीजन का मतलब है द सन्स बाउंड्री। इससे साइंटिस्ट समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ एनर्जी मूव्स फ्रॉम द सन सरफेस टू द ग्लोइंग कोरोना। कोरोना इज द आउटर मोस्ट रीजन ऑफ द सन्स एटमॉस्फेयर। नासा के इस मिशन से ये भी समझने में मदद मिलेगी कि सन इतनी इंटेंस एनर्जी कैसे जनरेट करता है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में लॉन्च किया है एक नेविगेशन सैटेलाइट यूजिंग द PSLV C22, द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके साथ हम पहला कदम लेंगे टुवर्ड्स स्टार्टिंग आवर ओन GPS सिस्टम। लेट्स फाइंड आउट हाउ। 1 जुलाई को इंडिया की पहली नेविगेशन सैटेलाइट रात के 11:41 मिनट पर सक्सेसफुली लॉन्च की गई। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसरो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C22 कैरीड द कंट्रीज फर्स्ट डेडिकेटेड नेविगेशन सैटेलाइट कॉल्ड इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। द एप्लीकेशन ऑफ द सैटेलाइट इंक्लूड लैंड, सी एंड एयर नेविगेशन, साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट में भी मदद मिलेगी। And coming back to Earth now, अब पता करते हैं रोबोटिक टेक्नोलॉजी के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। जापान में बनाया गया दुनिया का सबसे पहला रोबोट रॉक बैंड। और नेदरलैंड्स में रोबोट्स ने फुटबॉल खेलना भी सीख लिया है। Let's watch these reports in tech this week. पिछले हफ्ते टोक्यो में लोगों ने एक यूनिक म्यूजिक कॉन्सर्ट का खूब मजा लिया। इस इलेक्ट्रिफाइंग रोबोट कॉन्सर्ट में गिटारिस्ट, ड्रमर और कीबोर्डिस्ट तीनों रोबोट्स थे। इस रोबोट ट्रायो को जेड मशीन्स के नाम से जाना जाता है और इन्हें डेवलप किया है टोक्यो यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स एंड एकेडमिक्स ने। ये रोबोटिक कॉन्सर्ट चला 30 मिनट के लिए और ऑर्गेनाइजर्स ऐसे कई और कॉन्सर्ट्स जल्द ही शेड्यूल करेंगे। देखिए इस मजेदार मैच को बिटवीन द डच एंड द जर्मन्स। हैरान हो गए ना, क्योंकि ये सॉकर मैच है बिटवीन रोबोट्स। पिछले हफ्ते नेदरलैंड्स के इंडोविन में हुआ ये एक्साइटिंग रोबो कप जिसमें कई कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। With these soccer games we're trying to develop new technology because soccer is really is a difficult game for robots of course and this new technology can be applied in many other fields of robotics. ऑर्गेनाइजर्स का मानना है कि 2050 तक ये रोबोट्स ह्यूमन वर्ल्ड चैंपियंस को बीट कर पाएंगे और ये रोबोट टेक्नोलॉजी 10 टू 15 इयर्स में कंज्यूमर मार्केट में भी अवेलेबल होगी। इस कंपटीशन में करीब 2,500 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम 40 कंट्रीज took पार्ट और ये 4 दिन तक चला। उत्तराखंड के बाद ओडिशा में भी फ्लड आए थे, हालांकि यहाँ उस हद तक नुकसान नहीं हुआ। फिर भी फ्लडिंग ने कुछ ऐसे इलाकों को अफेक्ट किया जो नॉर्मली ड्राउट प्रोन माने जाते हैं। टू नो मोर ऑन दिस लेट्स मीट ईशा एंड कैच अप विद द वेदर फोरकास्ट। ओवर टू यू ईशा। थैंक्स अवनीत एंड हिमांशु, वेलकम टू द वेदर फोरकास्ट। मैं हूँ ईशा। सबसे पहले जानते हैं ओडिशा में फ्लड्स का क्या असर पड़ा है। ओडिशा के कालाहांडी में फ्लड्स के चलते करीब 10 गांव बह गए जिससे हालात काफी खराब हो गए। इंद्रावती नदी में पानी के तेज बहाव के कारण सैकड़ों परिवारों को रेफ्यूजी कैंप्स में शिफ्ट किया गया। हाउएवर देयर हैव बीन नो रिपोर्ट्स ऑफ कैजुअल्टीज। इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशंस तेजी से चल रहे हैं। टॉरेंशियल रेन्स ने कालाहंडी, नबरंगपुर, बोलंगीर और कोरापुट डिस्ट्रिक्ट को अफेक्ट किया है। कालाहंडी के इलाके में इससे पहले कई बार ड्राउट आ चुका है, लेकिन इस साल फ्लड्स के कारण यहाँ रोड्स ब्लॉक हो गए हैं, ब्रिजेस टूट गए हैं, इससे रेस्क्यू ऑपरेशंस पर भी असर पड़ा है। ओडिशा के बाद अब जानते हैं बाकी इंडिया में मौसम का क्या हाल है।
लेट्स वॉच द वेदर फोरकास्ट फॉर द मेट्रो सिटीज। न्यू दिल्ली में पूरे हफ्ते बारिश होने की संभावना है विद मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। कोलकाता में बारिश कम होगी लेकिन मौसम क्लाउडी होगा विद मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। चेन्नई में भी बारिश कम होगी विद मैक्सिमम टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस। वहीं मुंबई में ज्यादा बारिश हो सकती है विद मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। साउथ अमेरिका में एक्सट्रीम वेदर ने बोलिविया को काफी अफेक्ट किया है। देखते हैं बोलिविया से ये रिपोर्ट। साउथ अमेरिकन कंट्री बोलिविया में रेन, स्नो और फ्रीजिंग वेदर के कारण अथॉरिटीज हैव डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। हाईवेज पर 25 सेंटीमीटर तक बर्फ गिरने से रोड्स ब्लॉक हो गए, जिसका सीधा असर बोलिविया के टूरिज्म पर पड़ा है। फार्मर्स को भी नुकसान हुआ है। दे कुड लूज 30% ऑफ द लाइव स्टॉक ड्यू टू द कोल्ड वेदर। माना जा रहा है कि 17,000 फैमिलीज हैव बीन अफेक्टेड। साथ ही 86,000 हेक्टर्स ऑफ कॉर्न, सोयाबीन्स एंड पीनट्स भी डैमेज हुए हैं। अब चलकर जानते हैं कनाडा के कुछ इलाकों में फ्लड्स की वजह से क्या नुकसान हुआ है। टेक अ लुक। पिछले हफ्ते कनाडा के शहर कैलगरी में लगातार हो रही बारिश ने यहाँ के लोगों को बेहाल कर दिया। आफ्टर दे हैड टू सफर पावर आउटेजेस। यहाँ पावर सप्लाई रिस्टोर होने में कई हफ्ते लग सकते हैं। रिकॉर्ड ब्रेकिंग फ्लड वाटर्स मूव डाउनस्ट्रीम टू थ्रेटन स्मॉलर कम्युनिटीज इन द प्रोविंस ऑफ अल्बर्टा। पानी घरों में घुस गया। करीब 65,000 लोग रेस्क्यू कैंप्स में हैं। कनेक्टिंग रोड्स और रेल लिंक्स भी फ्लड्स की वजह से बंद कर दिए गए हैं। रेजिडेंट्स आर एडवाइज्ड टू रिमेन अवे फ्रॉम ब्रिजेस, वाटरवेज, बैंक्स एंड इवैक्यूएटेड एरियाज फॉर देयर ओन सेफ्टी। Rescue from the river may not be possible at this time. लगातार 36 घंटे की बारिश के बाद एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ इलाकों में पूरे सीजन की नॉर्मल रेनफॉल दो दिनों में ही हो गई है। That's all for today. This is Isha signing off. Over to you, Himanshu and Avneet. फ्लड के बारे में दुनिया भर से ये रिपोर्ट्स देखने के बाद आई थिंक इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक नाउ। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे बहुत सारी खबरों के साथ। Keep watching the weekly wrap. Coming up, Mexican granny attends school at age 100. Aur London mein Kamal ka 3D illusion installation. Welcome back to the weekly wrap. Himanshu, aapke liye ek sawal. अगर आपकी क्लास में कोई ग्रानी पढ़ने लिखने आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? That would be so cool. कोई टीचर उन्हें डांट ही नहीं पाएगी. ऐसा ही कुछ हुआ मेक्सिको के एक स्कूल में जब मैनुएला हर्नांडेज ने 99 इयर्स की एज में फिर से पढ़ाई शुरू की। शी हैज नाउ फाइनली ग्रेजुएटेड फ्रॉम प्राइमरी स्कूल एट द एज ऑफ 100। वॉच दिस स्टोरी।